एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग में। तो आज है वेडनेसडे। मैं अभी उठ चुकी हूँ, फ्रेश अप होंगी, उसके बाद आरू का जो लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट है वो रेडी करूँगी मैं। तो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं अपना काम को, ताकि वो लेट ना हो जाए। वो अभी बेड में आराम से सो रही है अकेला अकेला, और पापा गए हैं वो उसका वर्कआउट करने के लिए। तो चलो चुकी हूँ। आँखों में नींद दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी उठना तो पड़ेगा ही। तो मैं आप लोग को ना, मेरी बेसल बहुत दिन हो गया मैं अपना बेसल नहीं दिखा रही हूँ, आज देख लो। देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा होते जा रहा है उतना नीचे का जो है वो ख़राब हो रहा है। देखती हूँ कितना, जितना हो पाया उतना यूज़ करूँगी, कोई बात नहीं। जब हम अपना घर पे जाएंगे तब मैं बहुत सारे प्लांट और अपना जो बेसल है वो लगाऊंगी नया करके। अभी तो जस्ट मैंने ऐसे ट्राई के लिए लगाया था, क्योंकि जब भी मैं लगाती थी तो उगता नहीं था। तो चलो, पूरा ठंडे ठंडे हवा मार रहा है। देखो इतना बड़ा उस तरफ का और ज़्यादा लंबा हो गया, यह तो सब क्या हो चुका है। ये तीन जो प्लांट है और मेरी जो वहाँ पे बैम्बू प्लांट है वही है जो अभी तक बचा हुआ है। टू इयर्स हो गए। तो चलो अपना काम पे, जो अपना काम है वो जल्दी जल्दी कर देती हूँ, फिर आरू को उठाऊंगी, उसके बाद उसको भी फ्रेश अप कराना है। बस थोड़ा ठंडा लग रहा है मेरे को। तो चलो, तो मैं यहाँ पे किचन आ चुकी हूँ, अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। एक साइड में ऐसे ही करके रख दूँ ये रोटी खाने के लिए, जो कि मैं भी खाऊंगी। ये जो है इसमें मैं ऑयल ऐड नहीं करूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा घी नहीं तो ऑयल ऐड करूँगी, फिर अच्छे से गूंद लूँगी मैं। वो आलू के लिए है अभी खाने के लिए, और उसका जो टिफिन है उसके लिए। आरू को छोड़ के आ गए हम लोग, अभी मैं अपना काम पे लग जाऊंगी। तो चलो
अपना काम पे लग जाते हैं। लेट्स गो। ओ, मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ पालक एंड दाल। ये पालक को पूरा धो के अच्छे से अभी भिगो के रखी हूँ। इसको मैं दाल में डाल के अच्छे से ब्लेंड करके बेबी को खिलाऊंगी। वो उसको अगर छोटे छोटे काट के भी दे दूँ ना, उसको वॉमिटिंग आने लग जाता है। तो पकाने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी और ये ग्रीनी लीफ पकाऊँगी। और यहाँ पे करेला और आलू, एक तो छोटा सा टमाटो डाल के बनाऊंगी। यहाँ सुबह जाने से पहले धो के रख दिया हूँ। और यहाँ पे धनस एक जो है रखी हूँ, अभी तक वो नहीं है, ये हल्का फुल्का बाद में साफ करूँगी। और यहाँ पे देखो, ये सारा चीज़ें साफ करना पड़ेगा मुझे। तो चलो अपना काम शुरू कर देते हैं। कभी कभार मन नहीं करता है। मेरी जो कुकिंग है वो हो चुका है। यहाँ मैंने किचन भी साफ कर दिया, सब कुछ हो गया। मेरी काम जो है सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लीन। अभी मैं रेस्ट करूँगी बैठ के, और उसके बाद आरू को लेने जाऊँगी। आज मैंने पूरा जल्दी जल्दी में काम ख़त्म किया हूँ। अभी थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद उसको लेने के लिए जाऊँगी। ओके, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या पकाया है। ये है जो वो खट्टे वाले पत्ता साग, और मैंने यहाँ पे करेला बॉईल किया है सिर्फ अनियन और मिर्ची दे के। देखो, ये मैं खाऊँगी। उसके बाद यहाँ बनाई हूँ रोटी, और यहाँ पे है आलू जो वो छोटे छोटे वो रत्नादीप से जो मिर्ची लेके आए थे ना, वो वाला मिर्ची ऐड किया हूँ। यहाँ पे मैंगो भिगा के रखी हूँ। यहाँ पे ये रखी हूँ फिर से दिन को भूख लगने से खाने के लिए, क्योंकि मैं ऑयल का चीज़ें नहीं है, धनवास के लिए पका दिया। आलू, टमाटो एंड करेला, दाल जो पालक का साथ था जो मैंने पूरा ही ब्लेंड कर दिया। यहाँ है राइस, इतना ही है जो आज मैं पकाई हूँ। वैसे काफ़ी पका लिया मैंने, बहुत सारा चीज़ें। ओके, तो रेस्ट करती हूँ मैं अभी, फिर मिलते हैं आप लोग। अब मैं सीधा मिलूँगी आप लोग को आरू को जब लेने जाऊँगी मैं तब। ओके, तो मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए। आज तो ज़्यादा धूप नहीं है, उतना धूप नहीं है, इसलिए आज अम्ब्रेला लेके नहीं जा रही हूँ। सिर्फ उसके लिए जो हैड है वो लेके जा रही हूँ। तो चलो लेके आते हैं उसको। देखो, ये हम लोग का गेट में छोटू सा क्यों तोड़ रहे हो? क्या घास फूस निकल दिया है, इसलिए फ्लावर नहीं, ऐसे घास फूस निकल गया है। उधर भी है। तो हम लोग स्कूल से आ चुका है। देखो धूप नहीं है फिर भी ये देखो, ऐसा गर्मी हो गया। ओके गाइस, हम लोग तो आ गया है। जिन ड्रेस भी चेंज कर लिया। अब अभी थोड़ा देर रेस्ट करके हम लोग लंच करेंगे। एक्चुअली मेरे से आज गलती हो गया। कल मैंने मैसेज का जो डेट है वो देखने में गलती कर दिया मैंने। मुझे लगा आज योगा डे है, मैं वही सोचने लग गया कि मैंने कैलेंडर देखा है, लेकिन वो डेट जो जहाँ पे स्कूल का जो ग्रुप है वहाँ पे मैंने देखा कि आज लेके जाना है। मैं वही सोचने लग गया, कैलेंडर में तो फ्राइडे को योगा डे है, तो आज कैसे हो गया? तो आज उसका मैम बोल रहा था को आज नहीं था। हाँ, आज नहीं था, तो कल थर्सडे है। कल जो नॉर्मल ड्रेस लगा के, वो जो रेगुलर ड्रेस लगा के जाने के लिए बोला, और फ्राइडे को जो वाइट ड्रेस लगा के जाने के लिए बोला, उस दिन फ्राइडे को योगा सेलिब्रेट करेगा, वो लोग योगा करेगा। अभी आके इसने होमवर्क भी कर दिया है, दिखाओ मैम। हाँ, आके इसने, हाँ हो गया, टाइम हो गया, हाँ होमवर्क करने का टाइम हो गया। दिखा दो होमवर्क, दिखा दो। इसने आते ही होमवर्क, आई कम फ्रॉम द स्कूल लाइक सो टायर्ड। अच्छा, द टाइम इज अपलोडिंग, द टाइम इज अपलोडिंग, नाउ इट्स 11, इट्स 11 o'clock, या इट्स 11 o'clock। अच्छा, और दिखा दो, दिखा दो कहाँ पे होमवर्क किया, दिखा दो कहाँ पे। अभी आया हुआ 10 मिनट ही हुआ है आते। हाँ हाँ या आते ही होमवर्क कर दिया है। इरेजर, इरेजर, यू हैव टू गेट द इरेजर।
आते ही इसने होमवर्क कर दिया। अभी रेस्ट करके लंच खाएंगे, फिर नैप के लिए चले जाएंगे हम लोग। आजकल नैप ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे रात मिल नहीं रहा है। मुझे पता है दिन को नैप लेने से क्या बोलता है मेरे को हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन नहीं सो के भी मेरा हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वीडियो में तो पता नहीं चला है, लेकिन रियलिटी में मुझे पूरा फील हो रहा है कि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है। आप लोग को दिखाने के लिए इसने फिर से रब करके फिर दोबारा कर रही है। Wow. Wow, very good. Yes, very good. Very good, Arika. Good job. Hey. मैम बोल गई पिटी पिटी। खुद ही टीचर बन रही है। एक बार तो आते ही कर लिया, फिर वीडियो में दिखाने के लिए और एक बार रब करके फिर दोबारा कर रही है। ओके, तो मिलते हैं आप लोग से। यह लड़की को देख लो, मैंने फ्रूटी का जो मज़ा का जो वीडियो है, जो जूस जो टेट्रा पैक में जो आता है वो वीडियो दिखाया, वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह दिखा। तो वो यह देखो, मैंने उसको वो जो चीज़ पीती है खराब है बोल के दिखा दिया। ये देखो, मुझे बोल रही है कि वो वीडियोस क्यों देखते हो, ऐसा वीडियो क्यों देखती हो। मैं ऑफ द टीवी एंड ऑफ द फोन नाउ नाउ आई नो ट्रैवल। मैं बोल रही हूं कि वो और पीना चाहोगे वैसा जूस, बोल रही है कि वैसा वीडियोस मत देखो। डोंट यू वांट टू ड्रिंक इट अगेन द जूस, कीप द वीडियोस द वीडियोस कार्टून्स। हां देखो, and like this once will go like this inside your tummy. You want to drink yes or no, yes or no? देखो फिर भी हाँ ना कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको पीना है। बोलो, you want to drink or not? Yes or no? Yes or no? Say it loudly. Yes or no? मुख से बोलो, मुख से say no. No. I will not drink. I will eat only healthy, healthy food. This one. हाँ, जाओ लेके आओ। लोग इधर खाना भी खा रहे हैं और इधर पढ़ाई भी कर रहे हैं। इधर मैं कुछ उसका जो मंथली प्लान है उसको ठीक कर रही हूँ। हाँ लिखो नेक्स्ट। यस वेरी गुड, राइट गुड गुड वन। हाँ गुड जॉब। यहाँ पे पूरा फैल चुका है, बाद में हम लोग समेटेंगे। यहाँ पे वो वाई वाई खा रही है। अगर उसको भूख भी नहीं लग रहा है ना, वो टाइम पास के लिए ऐसे ही लेके आएगी। उसको दोनों का जो मिक्सचर है वो बहुत पसंद है। यहाँ पे साइकिल चला रही है। ओके अच्छा, बिग गर्ल्स, फॉर बिग गर्ल्स ओनली। यहाँ पे साइकिल घर में प्रैक्टिस करते करते वो सीख चुकी है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं सकती थी, हम लोग को धक्का मारना पड़ता था, अभी सीख गई है। आ जाओ गाइस, गिव अवे चल रहा है। आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। गिव अवे का क्या क्या है, कैसे करके आप पार्टिसिपेट करेंगे, प्लीज़ जाके कम्युनिटी टैब में चेक कीजिए। आप लोग को मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी मिल जाएगा, गिव अवे करके मैंने वहाँ पे रखा हुआ है वीडियो, जो गिव अवे का जो भी होने वाला है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, फर्स्ट प्राइज का मैंने अभी तक डाली नहीं है, मैं अभी तक डाली नहीं हूँ, तो बहुत जल्दी डालूँगी। आप लोग ज़रूर चेक कीजिए। एक मिनट में आप लोग को दिखा देते हूँ। अभी साइकिल जस्ट अभी रख के आई, अभी क्या लेके आ रही है, देखो क्या क्या कर रही है। आज पूरा स्कूटी चलाने का मूड में है। बैग जा रही हो, जाओ जाओ जाओ। हाँ, अरे
बाप रे बाप। तो आरो नैप से उठ चुकी है, शाम भी हो गया है। देखो अभी मैं ये जो कपड़ा है अंदर लेके जाऊंगी, अभी वो उठ चुकी है तो उसको शाम का इवनिंग स्नैक्स देना पड़ेगा। तो आज का वीडियो इतना तक ही है, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गिव अवे चल रहा है, आप लोग को अगर पता नहीं है तो कम्युनिटी टैब में जाके चेक कीजिए। पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कैसे करना है, और कम्युनिटी टैब में अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे गिव अवे करके लिखा हुआ है, वहाँ पे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा जो गिव अवे होने वाला है। वो थर्ड प्राइज एंड सेकंड प्राइज मैं डाल चुकी हूँ, फर्स्ट प्राइज का वीडियो बहुत जल्दी आएगा, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर सब कुछ डिटेल दिए रखा है। तो हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय।